हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड यानी कि नो टाइम टू डाई मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 आवर 40 मिनट्स की। हाँ यार, 2 आवर 40 मिनट्स से पहले ही ये मूवी खत्म हो जाती है और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलती है। आपके नियरेस्ट थिएटर्स में जाके जरूर चेकआउट करना, ओनली फॉर डैनियल क्रेग। मूवी की कहानी सिंपल सी है, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, स्पेशली जो इसका लास्ट वाला पार्ट था, तो आपको ये पर्टिकुलर पार्ट समझने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। खैर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बॉन्ड अभी फिलहाल रिटायर्ड है, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके बाद ये फिर से एक मिशन पर निकल जाता है। अब वो मिशन क्या है, फिर इसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर मैं सिंपल और स्ट्रेट बात बोलूँ तो भाई, ये वो बॉन्ड मूवी नहीं है जो आप लोग आज से पहले देखते आए हो या देखना चाहते हो। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड मूवी, और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी डैनियल क्रेग के कैरेक्टर बॉन्ड को एक परफेक्ट फेयरवेल देने के लिए बनाई गई। क्योंकि जब आप लोग इस मूवी को देखोगे तो इस मूवी के दौरान बहुत सारी चीजें आप लोग ऐसे फील करोगे कि हाँ यार, ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, और ये चीज आपको इसलिए अच्छी लगी क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं डैनियल क्रेग को बहुत ज्यादा पसंद करते हो इस पर्टिकुलर रोल में, और इतने सालों से आप लोग इतनी मूवीज उनकी देख चुके हो तो कहीं ना कहीं वो एक एक्शन इजीली बन जाता है। और वही एक चीज है जो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक ये मूवी देखने पर मजबूर करती है, वो इमोशंस जो है ना, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं सब समेट के रखो, क्योंकि आपको आपको पता है कि एंड में होने क्या वाला है। खैर, मूवी की अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो पहला एक्शन सीन है वो है क्लासिक एक्शन सीन। वो मैं क्लासिक वर्ड इसलिए उस यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो जो टाइप का एक्शन है जो इटली में होते हैं, वो हमने बॉन्ड की मूवीज में बहुत उभार देखा है, लेकिन फिर भी हमको वो देखना है, इसीलिए वो क्लासिक है। और वहाँ पे हम लोग सीटी ताली फुल टू चिल्ला पुकार करते हैं, वो पहला एक्शन सीन है जहां पर मतलब मेरा दिल ले लिया। उसके बाद ज्यादा एक्शन सीन आपको मूवी में देखने को नहीं मिलेंगे जो आप लोग एक्सपेक्ट करके जाओगे, लेकिन जितने भी है उनको बहुत ही अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया, बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया, जो कि देखने में मजा आता है। मूवी का बीजीएम बोलने की जरूरत है नहीं, बहुत ही शानदार है। और अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो देखो, यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स है नहीं एज यूजुअल, लेकिन बॉन्ड के कैरेक्टर को यहाँ पर जिस तरह से बताया है, जो लव इमोशंस, वाओ यार, मतलब वो मोमेंट मैं अभी तक भुला नहीं पाया इस मूवी में, जो जो चीजें मैंने विटनेस की, और मैंने आज से पहले बॉन्ड की मूवी में ये सारी चीजें नहीं देखी थी। और वो चीज अगर देखी भी थी तो वो उस लेवल की फील नहीं हुई थी जो मुझे अब इस पर्टिकुलर मूवी में फील हुई, और स्पेशली दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट बॉन्ड मूवी। अब आप लोग को ये अच्छी लगे या ना लगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको ऑनेस्टली बता दूं कि मैंने डैनियल क्रेग की पहली मूवी ही थिएटर में जाके देखी है बॉन्ड की। इसीलिए जब भी मैं कभी बॉन्ड मूवी के बारे में सोचता हूँ तो हमारे आंखों के सामने अगर किसी की इमेज आती तो वो है डैनियल क्रेग। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है यार। कैरेक्टर्स की बात करें, स्पेशली रामी मलिक ने जिस कैरेक्टर को प्ले किया, वो एक विलन का कैरेक्टर है, तो उसको उतना इम्पैक्टफुल यहाँ पर नहीं बताया, जो आपको स्क्रीन पर महसूस भी होता है, जबकि रामी मलिक खुद में एक कैलिबर रखते हैं बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस करने के, लेकिन जब डायरेक्टर उसको उस लेवल में प्रेजेंट ही नहीं करेगा ऑडियंस के सामने, तो उनको वो एक बड़ा विलन महसूस, बॉन्ड के सामने कोई विलन वो फील नहीं होता है। तो ये चीज कैरेक्टराइजेशन में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लगी। मूवी का डायरेक्शन अच्छा है, एडिटिंग भी परफेक्ट की गई है, और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो ईच एंड एवरी वन, डैनियल क्रेग तो भाई उन एक्टर्स में से है कि जो अगर मैं आने वाले कल में किसी को बताऊं कि भाई बॉन्ड के कैरेक्टर में मुझे कौन सा हीरो सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, तो मैं डैनियल क्रेग का ही नाम लूंगा। तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, और एक परफेक्ट फेयरवेल तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि फेयरवेल कुछ अलग तरह से भी किया जा सकता था इस मूवी में, बट चलो ठीक है, जो राइटर और जो डायरेक्टर को समझ में आया उन्होंने किया, लेकिन अगर मैं होता तो मैं ऐसा फेयरवेल नहीं करता। लेकिन थैंक यू सो मच बोलूंगा मैं डैनियल क्रेग को कि यार इतने सालों तक इतनी मूवीज के थ्रू हमको एंटरटेन करने के लिए मजा आ गया। इसके अलावा रामी मलिक ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट और कहीं ना कहीं डायरेक्टर की गलती की वजह से वो मजा नहीं आ पाया जो कि मजा आ सकता था। उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर थे सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से किया, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को कौन भूल सकता है। खैर, ओवरऑल ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, क्योंकि कभी भी कोई भी बॉन्ड मूवी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो एडल्ट सीन है जो कि एक सिग्नेचर स्टाइल है बॉन्ड मूवी का, वो तो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और ओवरऑल मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। इट्स नॉट अ दैट काइंड ऑफ बॉन्ड मूवी जो आप लोग सोच रहे हो, लेकिन इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉन्ड मूवी जो मैंने एंजॉय किया। तो यार बस, अगर आपको देखना जाओ नजदीकी सिनेमाघरों में जाके देखो, नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे क्योंकि डैनियल क्रेग इसके बाद आपको नजर नहीं आएंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।